जय मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। और अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी पंचायत में और हमारे साथ दो तीन वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, इसी पंचायत के हैं। इनसे जानेंगे कि 5 साल जो प्रतिनिधि का रहा वो कैसा रहा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। अब्दुल राशिद नाम। और कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? बस इसी वार्ड के। नाम बताइए। नंबर 3। 3 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत के जो मुखिया हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? देखिए, हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं जिन्होंने कार्य किया है, असल किसी से भी पूर्ण संतुष्ट कोई नहीं हो सकता। जो भी मुखिया रहे, जो भी प्रतिनिधि रहे, उनसे पूर्ण संतुष्ट कोई नहीं हो सकता। फिर भी जो हमारे यहाँ कार्य हुआ है, जो अभी सामने आपको नाला सड़क नज़र भी आ रहा है, जो हमारे अभी इसी मुखिया का किया हुआ है, ठीक है। अब बाकी आगे जो है कुछ गलतियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है इंसान है, उससे गलतियाँ भी होती है। तो अभी कई जो हालात हम देख रहे हैं मुखिया का, और मुखिया का पूरे बिहार ही की मुखिया का देख रहे हैं, हर प्रतिनिधि का देख रहे हैं कि लोग का मिजाज है नया आना, पुराने को बदलना। तो अभी हम जो इस पंचायत में देख रहे हैं वो भी यही लग रहा है कि एक मिजाज सबका कन्वर्ट है कि नया आना चाहिए, नया युवा आना चाहिए, नई चीज़ होनी चाहिए। तो बस यही है। लेकिन सवाल तो ये है सर कि जब मुखिया जी काम किए हैं और समाज के लिए बेहतर कार्य किए हैं तो बदलाव क्यों नहीं? बेहतर, देखिए, बेहतर सबके लिए नहीं होता है। बेहतर आप जैसे कुछ वार्ड में काम हो गया उसके लिए तो बेहतर हो गया, लेकिन जिस वार्ड में काम नहीं हुआ, 14 वार्ड है और 14 वार्ड के 2 वार्ड में काम हुआ, 3 वार्ड में काम हुआ, बाकी वार्ड तो वंचित रह गया। तो वो वंचित वार्ड जो है उस वार्ड को तो चाहता है कि वो भाई हमको नहीं चाहिए, हमको बदलाव होना जी। और जो काम जहाँ जिस वार्ड में काम हुआ है वहाँ के लोग उनको भी चाह रहे हैं। ठीक है सर, शौचालय का लाभ मिला है लोगों को? आपको मिला? सर नहीं, 12,000 जो मिला था? नहीं, हम लोगों ने चाहा भी नहीं लेना। अच्छा, कि ये नहीं है कि हम, कि वो गरीबों के लिए है। हाँ, गरीबों के लिए है, हमको वो चाहिए भी नहीं, लेना भी नहीं चाहे, और कभी गए भी नहीं उनके पास। लेकिन आपने सुना होगा लोगों को मिला है। हाँ, लोगों को मिला है, इसका लाभ मिला है लोगों को। वृद्धा पेंशन का भी लाभ मिला, वृद्धा पेंशन का भी लाभ मिला है। अच्छा, एक और प्रतिनिधि होते हैं पंचायत समिति, जो वर्तमान में पंचायत समिति है, क्या उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं? उनके द्वारा कोई कार्य किए नहीं गए हैं। वर्तमान में जो पंचायत समिति थे उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल एक ही आदमी एक ही के साथ बीत गया, चाहे वो ठेकेदारी का मामला हो, जिस चीज़ का मामला हो। इसीलिए इस पंचायत की जो 7 वार्ड है हमारे, इसमें इसका पूरा का पूरा उनके खिलाफ जा रहा है, चूँकि वो गाँव समाज के लिए काम नहीं किए, यानी कि बदलाव पूरा का पूरा। सरपंच साहब को बदलाव नहीं चाह रहा है यहाँ की जनता। अच्छा, न्याय हुआ? जी जी जी, न्याय का कार्य अच्छा हुआ। जी, उसकी कुछ चीज़ बहुत ही अच्छी थी, वो जैसे कि आप उनको 2 बजे रात में बुलाते तो वो लुंगी गंजी में ही आपके पास पहुँचे। अच्छा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या बिस्फी का ये 10 पड़ता है जिला परिषद में। जी, क्या जिला परिषद जो वर्तमान में है आपकी कौन है? शीला देवी है शायद। जी, शीला देवी, शीला देवी है। वो कभी आई है कि नहीं क्षेत्र में? हाँ, आती है, अभी भी आई है, 2-3 दिन पहले भी आई है, ठीक है। और ऐसे भी जब जीत के आदमी जाता है तो उतना नहीं, इलेक्शन के टाइम जो है सब आता है। तो अभी इलेक्शन की पीरियड में हमने देखा है 1-2 बार उनको। कार्ज वगैरह दिखा कहीं? नहीं, कार्ज तो हमारे इसमें नहीं दिखा है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मैं नदीम अली, आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप छोटे छोटे मुद्दे को भी हाईलाइटेड करते हैं, जो समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है और आप लोगों का सहयोग मिला। जी सर, आपका नाम? नदीम अली। नदीम अली कौन से वार्ड के रहने वाले? वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 के। अच्छा, ये बताइए वार्ड नंबर 4 में विकास का कार्य हुआ है? देखिए, विकास नहीं, विनाश का कार्य हुआ है। ये पंचवर्षीय जो रहा है, हम लोगों के पीछे एक रोड है जिस रोड को विधायक फंड से बनना चाहिए था, वो समिति और मुखियाओं वगैरह के मिली भगत से वो काम 2 लाख 1 लाख का कर करके मेन रोड को समझिए टुकड़े टुकड़े में उसने डिवाइड कर दिया। और बरसात में 2 फीट 2.5 फीट पानी, गंदा पानी रहता है जिसको निकलने का कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों ने मुखिया को बार बार रिक्वेस्ट किया,
समिति को बार बार रिक्वेस्ट किया लेकिन उस पर कोई सुनवाई तो नहीं। क्या वहाँ नाले का निर्माण नहीं हो सका? नहीं, नाले का निर्माण नहीं हो सका है। नाला जो भी बना है वो यूजलेस है, वो कहीं से लिंक नहीं है, बीच बीच में बना दिया गया है, वो कोई माने नहीं रखता। आपको लेकर आपको आश्वस्त भी नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वस्त नहीं किया है। नाला का मतलब क्या है कि कहीं आप उसको एंड कीजिए, कहीं से उठाइए, कहीं एंड कीजिए, बीच में आप 1 किलोमीटर है, कहीं 500 मीटर 200 मीटर बना के छोड़ दिया, तो कोई कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया। अच्छा ये बताइए सर कि नल जल योजना है 7 निश्चय में, नल आपके घर में लगा? नल लगा हुआ है, मतलब टोटी सिर्फ है। हाँ। पानी नहीं आता उसमें, पानी नहीं आ रहा। हाँ, ये क्या कभी सवाल नहीं पूछा वार्ड सदस्य से आप? सारा सवाल है, कहीं हम लोगों के तरफ खुश नसीबी है कि नल भी लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ तो नल भी नहीं लगा है। अच्छा, तो ये प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने वीडियो साहब से भी मुलाकात किया, विजिट किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं वो लोग नॉमिनेशन का ऐसे ऐसे लंबी लंबी बात आ रही थी बिहार सरकार की कि जो जल नल नहीं कंप्लीट करेंगे उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो सरकार का ही दोहरा चेहरा है कि जल नल से क्या उनको लोभ है, लालच है बिहार सरकार को कि जहाँ कंप्लीट नहीं है वहाँ भी पुराना प्रतिनिधि जो है वो चुनाव लड़ रहा है। अरे लगभग बिहार का लगभग 99.9% जो पंचायत है वहाँ नल जल योजना पूरी तरीके से नहीं हो पाया है काम। सबसे पहले तो आप अपना भी नाम बता दीजिए। मैं मोहम्मद शाहनवाज, वार्ड संख्या 5 नंबर वार्ड का, 5 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। क्या विकास हुआ कि नहीं? देखिए मुखिया की जो अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसका जो दायरा होता है उस हिसाब से उन्होंने जो जहाँ था किया। इससे पहले के जो मुखिया थे तो उतना लगता भी नहीं था कि कोई मुखिया है हम लोग के बीच में, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से किया है। जो भी धरातल पर काम होने चाहिए उन्होंने अपने हिसाब से किया है। जी जी, अब इसमें उनकी कितनी योजनाएं होती हैं, क्या होती हैं, बहुत विस्तृत इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है, बावजूद इसके हुआ है काम एकदम। अच्छा, न कहें ऐसा। एक और बात है, आपकी उम्र कितनी होगी? 45 साल करीब। 45 साल है जी जी। 45 साल से आप लगातार जो है सो 20 साल से तो लगभग मुखिया को देखते ही होंगे, 20-25 साल से। सभी में कौन बेहतर रहा आपके हिसाब से? देखिए अब तक हमारा जो अपना तजुर्बा रहा है, अब तक जितने मुखिया हुए हैं उस सब में अच्छे मुखिया यही हमको नजर जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं। जी जी जी। अभी हम जगवन पूर्वी के वार्ड नंबर 7 में हैं और हमारे साथ 4-5 अनुभवी लोग हैं, कुछ युवा भी हैं मौजूद। उनसे बातचीत करेंगे कि 5 साल विकास में कितना ये पंचायत आगे रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मालिक उर्फ आले। कौन वार्ड के रहने वाले? मैं 7 नंबर वार्ड के रहने वाला हूँ। वर्तमान में जो आपके मुखिया हैं कौन है? सालेहीन मुखिया है। सालेहीन मुखिया नहीं, उनकी पत्नी मुखिया, उनकी पत्नी मुखिया है, शहनाज बेगम है, है ना, उनकी पत्नी मुखिया है। तो उनके पत्नी जी के द्वारा काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। क्या सब काम हुआ है? जैसे रोड का जो है सो ढलाई वगैरह हुआ है, जो अंदर गाँव में था वो सब हुआ है, और ये शौचालय सब भी बना है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला? हाँ थोड़ा मिला है। आपके घर में नल लगा है? हाँ नहीं नहीं लगा है। नहीं लगा है जो सरकार का जो लगा है, लेकिन हम लोग के 7 नंबर वार्ड जितना लंबा है ना। हाँ। तो वो आधे ही में रह गया। अच्छा, हम लोग के तरफ नहीं आ पाया है। तो पूछा नहीं मुखिया जी से? मुखिया जी से बोले, बोले के आप जो है दोबारा में आएगा। अच्छा दोबारा वाले में आएगा, दोबारा सरकार पैसा देगा तो तब आ जाएगा, है ना। हाँ। सरपंच साहब का काम कैसा रहा? सरपंच का काम साहब ठीक रहा, उनका न्याय सिर्फ सही रहा, अच्छा रहा। और ऐसा वाला बात नहीं ना है कि 2000 रुपए लेकर के? नहीं नहीं, वो उनके अंदर जो है तो रिश्वत खोरी नहीं था। हाँ। ईमानदारी हिंदू मुस्लिम को मिलाकर चला और सही रहे, और आज उनका छवि बहुत अच्छा है। चलिए एक और प्रतिनिधि होते हैं पंचायत में, जिला परिषद जो 6-7 पंचायत के मालिक होते हैं। हाँ। लोग बताते हैं तो वो आए कि नहीं कभी शीला देवी? पहले नहीं, पहले तो नहीं, लेकिन अभी आ रही है। अच्छा। अभी आ रही, पहले नहीं आई थी, मेरे सामने में नहीं आई है, मैंने नहीं देखा। नहीं आई, अभी आ रही है। 5 साल में कभी नहीं आई, जब वोट लेना है तो अभी आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। पंचायत समिति का काम? पंचायत समिति भी ठीक थे, काम उम किए थे, काम उम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। जो उनसे हुआ उनको बहुत अच्छा काम किए, और बीच में जो है सो 2.5 साल से कोरोना ही चल रहा था, बंदी चल रहा है, इसमें हर काम तो ऐसे चलता ही है। और समिति का जो फंड रहेगा उसी फंड के हिसाब से काम करेंगे, जिसमें उन्होंने जो है सो 4-5 वार्ड में उधर जो है 1 से लेकर 5 वार्ड में जो उधर काम किए हुए हैं, लेकिन 7 नंबर में नहीं किए, 7 नंबर की तरफ अभी नहीं आए हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मोहम्मद अली हुआ। मोहम्मद अली कौन पंचायत के रहने वाले? जगवन पूर्वी। जगवन पूर्वी वार्ड 7 नंबर वार्ड। अच्छा आप भी 7 नंबर वार्ड के हैं। मुखिया जी के द्वारा 7 नंबर वार्ड में काम किया गया है कि नहीं? काम किया गया है 7 नंबर वार्ड में, सिर्फ वो रोड की ढलाई हुई है, गली गली जो है,
और नल जल नहीं लगा। नल जल नहीं लगा, लेकिन नल जल हमको चाहिए भी नहीं नाली से पहले। अच्छा, पहले हमको नाली चाहिए फिर नल जल चाहिए, यानी कि नाले का निर्माण नहीं हो सका। नहीं हो सका। जल जमाव की समस्या बहुत होती होगी इधर। बहुत, हाँ बहुत दिक्कत है। अच्छा, जल जमाव की। तो ये बताइए, आप लोग युवा हैं, इस बार चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है? माहौल कैसा चल रहा है? माहौल जो पिछले 5 वर्षी थे वो है, जो उनसे हो सका किया, अब जीतेंगे तो करेंगे। यानी के बदलाव के पक्ष में नहीं है, वही सीट रह जाएगी, यही ना जैसा आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, जो सीट एक और है, एक और व्यक्ति है यहाँ पे, वृद्ध व्यक्ति है। वृद्धा पेंशन मिला? वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिल रहा है। कितना रुपया? यह मिल रहा है बेचारा, वो दूसरा आदमी कर दिया हमको, वो नहीं किया मुखिया, नहीं किया मुखिया तो रुपया लिया 2000 रुपया, आज तक के नहीं दिया मुखिया अपने हाथ से लिया। हाँ, फोटो मोबाइल में लिया, अशो नहीं कर दिया। अच्छा, अशो आज तक रहता बेचारा। नया मुखिया जो है उससे बनवाया। कौन नया मुखिया? जो सालिम से, सालिम क्या नाम है उसे, कहा नाम है माला वाला के, माला वाला करा दिया। चलिए, माला वाला कौन रहे वही करवा दिया, वही करवा दिया। तो वो पैसा लिए? हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लिया। तो पैसा नहीं लिया? कुछ नहीं लिया, अभी मिल रहा है हमको। लैट्रिन बनाए हुए घर में? जी नहीं बना, कहाँ से लैट्रिन का पैसा भी नहीं दिया। तो लैट्रिन बनाइएगा तब ना सरकार देगा, बारह हजार का पैसा तुम ना बनाएंगे, पैसा कहाँ से मिला? 6000 वो भी नहीं मिला, ये भी दो मोटरी का मिला, वही पैसा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। जिला पार्षद आती है कि नहीं? आता है, वो नहीं आते, वो जिला तो नहीं, एक मरतबा नहीं आती है, एक मरतबा नहीं, यही आया है, वोट हुआ तो आया। आप लोग किसको वोट दीजिएगा? जिला पार्षद इसको देंगे, जिला पार्षद किसको देंगे? उसको देंगे, कौन है? जिला पार्षद में देंगे किसी को। अच्छा, मन में रखे हुए हैं? मन में रखे हुए हैं। आप पंचायत समिति में? पंचायत समिति इसको देंगे। अच्छा ठीक है, और सब बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर पासवान। माइक छोड़ दीजिए, हमारा माइक काम है, रहा घर है मेरा सर। हाँ, और हमारे गांव में समिति है, इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज। हाँ, वो हमारा मंत्री का काम किया है। हाँ, भरा है, खरंजा भी करेगा, और हाँ, वहाँ पहले भी उससे पहले रोड भी बनाया है। हाँ, और शमशान का भी। वार्ड के रहने वाले हैं? 5 नंबर वार्ड का हूँ। 5 नंबर के वार्ड में है? अच्छा जी, तो शमशान का भी काम लिया हुआ है, वो करेंगे। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी काम किए कि नहीं? मुखिया जी काम नहीं किया सर, काम नहीं किया, पानी काम नहीं किया ना, एक बार किया। सर को नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं बना। नल जल नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, नल जल तो लगा हुआ है, है? लेकिन पानी नहीं आ रहा है। नल लगा हुआ है? नल लगा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। तखाना का पानी नहीं मिला है? नहीं बिल्कुल नहीं है? कोई आज तक चर्चे नहीं उसका। 12000 रुपए नहीं मिला है? नहीं। घर में लैट्रिन नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं। लैट्रिन बनाया है कि नहीं? सर बिल्कुल लैट्रिन है ही नहीं मेरे पास। तो नहीं है तो बनाइएगा तब ना सरकार। सरकार हमको कागज दिए, कितना वार्ड को दिया, कहाँ जवाब देता पता नहीं है। अच्छा, कोई कागज आगे पैसे नहीं होता आगे तक। अच्छा, तो वो विकास कहाँ से होगा वो? अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं? हमको बनना चाहिए, हमारा लैट्रिन बनना चाहिए जी। पैसा नहीं मिला? नहीं बिल्कुल नहीं, एक रुपए नहीं। लेकिन सरकार का तो योजना है कि जिसके पास लैट्रिन रहेगा उसको 12000 मिलेगा जी, लेकिन हम लोग पास नहीं है सर। नहीं है सर आप लोग के पास? तो आप लोग कहाँ जाते होंगे स्वच्छ के लिए? खेत में जाते हैं? खेत में बाहर जाते हैं जी, फैमिली में जाता है, सब जाता है। स्वच्छ भारत अभियान चलता है प्रधानमंत्री जी का, है ना? और लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम शौचालय बनाए, और सरकार की जो योजना है वो शौचालय की योजना ये है कि जिस घर में 12000 रुपये रहेगा, 12000 उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास शौचालय रहेगा। लेकिन अब ऐसे लोगों के पास जिसके पास 12000 नहीं है, वो शौचालय नहीं बना सकते हैं, तो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे सर, हाँ माइक छोड़िए, माइक में करा मेरा काम है। ठीक है ठीक है। हाँ, वो इस बार समिति और हमारा सरपंच वही रहेगा, मुखिया का सेट चेंज करेंगे हम लोग। आप कर लीजिएगा, आपके कहने से हो जाएगा? हमारे कहने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो काम के हिसाब से है। हाँ, उस काम को देख करके। हाँ, मुखिया का सीट चेंज होगा सर। चलिए ठीक। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निवर्तमान मुखिया के पति, और इस बार फिर से मुखिया पद के लिए इन्होंने नामांकन कराया है। आइए जानते हैं कि इन्होंने 5 साल में अपनी पंचायत की जनता के लिए कितना काम किया है, और कुछ काम बचे हैं जिनके बाद, उस जीतने के बाद वो क्या सब करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सालेहीन है, मेरी वाइफ यहाँ मुखिया हैं शहनाज बेगम, हम उनके प्रतिनिधि हैं। वैसे चुनाव चिन्ह आपको आवंटित हो चुके हैं, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? जी मेरा चुनाव चिन्ह है कैमरा छाप। जो क्रमांक संख्या कितने पे? जो क्रमांक संख्या 9 पे है। 9 पे है। ये बताइए मुखिया जी कि 5 साल में आपने क्या सब काम किया है? देखिए काम हमने जो किया है उसमें सबसे पहला काम है कि जो अब तक इस पंचायत में लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा था, मुखिया ही अपने आप को सब कुछ समझ रहे थे, जनता कुछ नहीं थी, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया है
कि आने वाले कल में भी अगर कोई भी मेरे बाद मुखिया कभी बनते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनता यहाँ सर्वोपरि है, जनता ही मतदाता जो है मालिक है। इस बात का सबसे पहले मैंने एहसास दिलाया है लोगों को और लोगों का मान सम्मान हमने देने का काम किया है। अब रही बात के विकास की, तो सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसमें हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास, जिसको इंदिरा आवास भी लोग आम जुबान में कहते हैं, तो उसमें हमने लगभग 500 लोगों को इंदिरा आवास गरीब लोगों को दिलाया है। वो आपने थोड़ी दिया, वो तो सरकार का फंड था। सरकार की तरफ से मुखिया के माध्यम से ही मिलता है, मुखिया ही उसको चिन्हित करते हैं कि कौन इस लायक है कि जिसको इंदिरा प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास दिया जाए, चिन्हित करना मुखिया का काम है। तो खाता पे डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ही माध्यम से आता है, वीडियो साहब भेजते हैं, लेकिन मुखिया ही इसका माध्यम होता है और जो हमारे सहायक होते हैं वो इस पे काम करते हैं जी। कई जगहों पे मुखिया जी से बात हुई थी तो उन्होंने इस मुद्दे पे कहा था कि नहीं, मुखिया केवल चिन्हित करके नाम हटा सकता है, जोड़ नहीं सकता है। अब की बार इस बार बोला गया था, क्या ये सत्य है? नहीं, ठीक है, आपने जो कहा 2001 में जब पहला इलेक्शन हुआ पंचायती राज का बहुत दिनों के बाद, तो उसमें मुखिया को पावर था कि मुखिया चिन्हित करके जिसको चाहते वो इंदिरा आवास दे देते, उनके हाथ में था, उसके कलम में वो ताकत थी। लेकिन सरकार ने उस ताकत को कम कर दिया और एक लिस्ट जारी किया जिसको हम लोग कहते हैं वो जो लिस्ट आई थी पहले, इससे पहले तो लिस्ट के जरिया वो दिया गया, तो मुखिया का पावर वहाँ कम हुआ। मुखिया चिन्हित करते हैं, तो चिन्हित करना, गरीब तक पहुँचाना, ये मुखिया का काम है। चलिए, वृद्धा पेंशन कितने लोगों को मिल सका है? वृद्धा पेंशन मेरे इस कार्यकाल में, हालांकि कार्यकाल में बहुत सारी दुविधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, कोरोना काल में हमने काम किया है, तो फिर भी हमने लगभग 550 लोगों को वृद्धा, विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन देने का काम किया है। शिकायत ये भी है कि पंचायत में बिचौलियों के द्वारा उनसे घूस लिया गया है वृद्धा पेंशन बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास की योजना के लिए, वो आपका जो शौचालय होता है उसके लिए भी। नहीं, ये निराधार है, ये इसमें कोई जान नहीं है। क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत आई? ना, मेरे पास कोई शिकायत नहीं बिचौलिया की आई है। अगर बिचौलिया की शिकायत आती तो हम उस पर काम करते, और आप पूरे पंचायत की जनता से पूछ लीजिए, एक भी आदमी पंचायत में खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है कि मुखिया ने किसी भी काम के लिए एक रुपया लिया है। अच्छा, तो शौचालय कितने लोगों को लाभ मिला है? शौचालय लगभग 1000 लोगों को मिला है। 1000 लोगों को? जी, 1000 लोगों को शौचालय का लाभ मिला है। सबसे महत्वपूर्ण योजना पे आते हैं हम, जो नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, नल जल योजना, जो आपके पंचायत में अभी भी कई जगहों पे अधूरा पड़ा हुआ है, क्या कारण रहा? उसमें कारण यही है कि जो ये योजना सरकार की सब पहली बार लागू हुई है, इससे पहले ये योजना कभी नहीं आई। शुरू में जो काम हुआ तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, और इसमें जो संवेदक के द्वारा काम जो किया गया उसमें संवेदकों ने जो है गड़बड़ी की है, ना तो इसमें मुखिया दोषी है, ना इसमें वार्ड मेंबर दोषी है। लेकिन चेक तो मुखिया जी ना काटते हैं? हाँ, चेक मुखिया जी नहीं काटते हैं, हमारा काम है वार्ड को दे देना, वार्ड में भेज देना, क्रियान्वयन समिति को भेज देना, हमने वहाँ भेज दिया, और उसके बाद जो है उस पर जो है काम करना वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव और क्रियान्वयन समिति की है, ये हमारी जिम्मेदारी से मॉनिटरिंग की है। तो क्या आप अभी मानते हैं इस बात को कि आपका जो नल जल योजना है वो कंप्लीट नहीं है? कंप्लीट कुछ जगह पे नहीं है, वो रिपेयरिंग वगैरह का वर्क अभी चल रहा है और वो जल्द ही उसको कर लिया जाएगा। अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी के क्षेत्र संख्या 2 में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार के निवेदक, इनसे जानेंगे कि ये जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है। जी, मैं मोहम्मद मशहूर सुहैल, मेरी मदर है इस पंचायत की प्रत्याशी अजमती बेगम। अभी चुनाव चिन्ह आपको आवंटित हो चुके हैं, कौन सा चुनाव? माला छाप है क्रमांक संख्या 1 पे, और मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब तक हम लोगों ने 20 साल से मुखिया इलेक्शन को वोट देते आ रहे हैं, मुखिया इलेक्शन करते आ रहे हैं, जनता 20 साल से लोग प्रत्याशी को वोट देते आ रही है, अपना प्रतिनिधि चुनते आ रही है, लेकिन जनता की समस्या जस की तस है। लोग अपने छोटे छोटे काम को लेकर परेशान है, उसकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, वोट लेते हैं, इरादा करते हैं, बहुत लंबा लंबा वादा करते हैं, लेकिन उस वादे पर खड़े कोई नहीं उतर पा रहे हैं। तो हम एक नौजवान हैं,
और ये सोच लेके आए हैं कि पंचायत की दशा दिशा को बदलना है। पहला मेरा जैसे सबसे पहला स्टेप हो, और हर इंसान का ये जो तीन अधिकार होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीज़ों पे हमें सबसे पहले फोकस और काम करने की ज़रूरत है। आज देखिए कि शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था है कि सरकार की तरफ से सारा फंड अलॉटमेंट हो रहा है लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन वो फंड उस बच्चे तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं स्कूल में उस चीज़ का सही से व्यवस्था हो पा रही है। ये एक प्रतिनिधि की दायित्व है कि उस चीज़ को सही तरीके से किया जाए, क्योंकि लोग जिसको चुनते हैं वो प्रधान चुनते हैं और उसका ये जिम्मेदारी है कि इस काम को सही तरीके से कराए। दूसरा ये देखिए कि हमारे पंचायत में 5 कट्ठा ज़मीन हॉस्पिटल के लिए अलॉटमेंट है। आज से 20 साल पहले यहाँ एक हेल्थ सेंटर चल रहा था, लेकिन स्थिति ये है कि लोगों ने उस पर ध्यान रखना छोड़ दिया। इसमें एक सरकारी स्टाफ हमारा यहाँ बहाल है, ANM बहाल है, वो यहाँ व्यवस्था न रहने की वजह से वो पंचायत छोड़ के भागी रहती है। ये दूसरा मेरा सबसे काम होगा हेल्थ पे काम करने का। उसके बाद जो है सो तीसरा जो है रोजगार, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना आती है जो पब्लिक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने की, मनरेगा के तहत, जिसकी जानकारी आज तक न तो जनता को दी गई है न जनता जानती है। जनता सिर्फ इतना जानती है कि हम मुखिया जी को जिताएंगे, मुखिया जी हमारा नाला बना देंगे और मेरे गांव का विकास हो जाएगा, लेकिन उस रोड नाले के पीछे जनता का करोड़ों रुपया खा जाए, लोग खा जा रहे हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं या जो जिनके ऊपर कंधे लोग जिम्मेदारी देते हैं, जिनके कंधे पे वो सारा पैसा गमन कर दिया जाता है। वैसे आप पैसे से क्या करते हैं? पैसे से मैं एक बिजनेसमैन था, मेरा गार्मेंट्स का काम था कलकत्ता में। क्या कारण रहा कि एक बिजनेसमैन को राजनीति में प्रवेश करना? प्रवेश का एक ही कारण था कि जब मैं इस लॉकडाउन में कंटिन्यू जब मैं घर बैठा तो मैंने ये देखा कि समाज को वाकई एक सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप जब एक प्रतिनिधि चुनते हैं तो उससे सिर्फ रोड नाला का उम्मीद लगा लेते हैं। सर, हर प्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते हैं तो यही वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भी उसी तरीके के हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि मैं एक एक योजना को लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा कि सरकार की तरफ से एक एक आम पब्लिक के लिए क्या योजना आ रही है। वो एक हुडिंग के बैनर पोस्टर के माध्यम से हर साल में कि इस साल की कौन सी योजना आई और किस योजना पे किस मद में कितना पैसा खर्चा हुआ, वो टोटल एक लेखा जोखा मैं प्रस्तुत करूंगा अपने पंचायत भवन में। हर आप अपने आप को कहते हैं समाज सेवी, है ना? हर समाज सेवी का अपने पंचायत में कोई ना कोई योगदान होता है। आपने क्या योगदान दिया इस पंचायत के लिए? मैंने इस पंचायत को ये योगदान दिया कि मैं किसी पद पे न रहते भी हुए लोग, जनता 5 साल से परेशान थी राशन कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, जातीय के लिए, आवासीय के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ, आप किसी भी जनता से जाके इंटरव्यू ले लीजिए कि आज मैंने इस सिर्फ एक से लेकर 5 वार्ड में 120 लोगों का राशन कार्ड मैंने बनवाया है, 350 लोगों का वृद्धा पेंशन। मैं नहीं बोलता, आप जाके जनता से इंटरव्यू। आप बोल रहे हैं 350, मुखिया जी अलग से कहते हैं 350, पंचायत समिति जी अलग से कहते हैं और कोई समाज से भी अलग से कहते हैं, तो क्या सारा अभी तक बचा ही हुआ था क्या? मैं बताता हूँ, ये सबसे अच्छा ग्राउंड रिपोर्टिंग आप किसी जनता से जाके पूछ लीजिए कि आपका वृद्धा पेंशन, आपका राशन कार्ड, आपका आवासीय जन्म, इस मेरे आने से पहले इस पंचायत में किसी भी आदमी से आप इंटरव्यू ले लीजिए, एक जातीय, एक आवासीय, एक आय प्रमाण पत्र तत्काल से बनाने के लिए 500 रुपया लिया जा रहा था। किसी भी जनता से, मैं मुझसे मत इंटरव्यू लीजिए, आप उस जनता से इंटरव्यू लीजिए जिसका मैंने काम करके दिया है। कोई भी स्टूडेंट बोल दे कि जिस वक्त मुझे वो उसने व्हाट्सअप किया है, मैं उसका आवासीय जातीय बना के दिया, बिना एक पैसा जीरोक्स का भी 1 रुपया नहीं लिया। वैसे आप चुनावी मैदान में हैं, अभी जनता के बीच जा रहे होंगे, आपको कैसा रुझान समझ में आ रहा है? जनता का रुझान तो बिल्कुल, क्योंकि हर मैं जनता को ये जानता हूँ और अच्छे से मानता हूँ कि जो काम करता है जनता उसी को अपने ऊपर अपना उसको अपना मानता है और उसको वोट देगी। अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुखिया और वर्तमान में ये फिर से नामांकन इनकी पत्नी ने करवाया है। आइए जानते हैं जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ निरंजन पासवान। 2011 से 2016 तक मैं मुखिया रहा हूँ। वर्तमान में अभी आपकी पत्नी नामांकन करा और वर्तमान में मेरी पत्नी जो नामांकन की है। क्या नाम है उनका? फूलो देवी। चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? कलम दवा छाप। कलम दवा छाप कौन से क्रमांक पे है? 3 क्रमांक पे।
अच्छा ये बताइए कि जनता अगर आपको चुनती है तो आप क्या सब काम करेंगे? देखिए जनता का समस्या तो बहुत है, मगर मेन मकसद है जनता का, अभी नल जल योजना से जो भी पीड़ित प्रभावित नहीं हो चुके हैं या उनसे जो लोग को आकर्षित टूट चुका है उस पे ज़्यादा फोकस है। योजना आवे या नहीं आवे, अभी लोगों को मिजाज में हो चुका है कि भैया रोड है, नाला, सड़क, जल, ये चार मुद्दा है। और ख़ास करके मेरे पंचायत में रोड, जल, नल योजना जो है और हॉस्पिटल, ये जो है बहुत अहम मुद्दा है। उसके बाद सड़क, ये सब अहम मुद्दा है। मैं चार पांच मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के मैं चला हूँ और इस मुद्दे पे मैं लगता हूँ कि कामयाब हो जाऊँगा, उम्मीद है। इससे पूर्व में आप मुखिया थे? जी जी जी। तो उस समय में क्या सब काम किए थे? काम तो बहुत, जो सरकार मुझे दिया उस हिसाब से मैंने एक भी काम को पेंडिंग में नहीं रखा। और जो भी भविष्य के को देखते हुए मैं जानता था कि ये काम मुझे करना है, तो उस काम को अंजाम मैंने दिया। फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। हो सकता है पहली बार कहीं आपने गलती किया होगा। देखिए वैसे भी मान लीजिए जीते हुए जो भी कैंडिडेट है उनके प्रति लोग को थोड़ा सहानुभूति कम हो जाता है, ये बात होता है। मगर अब उस बात को दोबारा रिप्लाई हो रहा है तब लोग में समझ में आया कि ये ने काम किया और ये ही करेगा, इसके अलावा कोई मुखिया नहीं करेगा। इसके अलावा लोगों को जनता तो है, मत तो है, क्या होगा ये बात नहीं बताएंगे हम। वैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान समझ में आ रहा है? एकदम पक्का उम्मीद है इस बार, पूरा पक्का, एकदम पक्का 100%। वैसे हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश मुझे वोट दे और जिस वादे से मैं जीतूंगा उस वादे से जनता में उतारू होकर के काम करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 में हैं और हमारे साथ निवर्तमान पंचायत समिति मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि 5 साल में इन्होंने कितना काम किया है और फिर से ये नामांकन कराकर आए हैं और जनता के बीच क्या मुद्दा रहेगा। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज, जगवन पूर्वी क्षेत्र संख्या 2 का मैं पंचायत समिति हूँ रहा। अब फिर से आपने नामांकन किया? जी, फिर से मैंने नामांकन किया। आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, कौन सा चुनाव चिन्ह है और कितने क्रमांक पे है? मेरा चुनाव चिन्ह नरियल छाप है, 1 नंबर क्रमांक पर सबसे ऊपर में। ये बताइए कि 5 साल जो जनता ने आपको मौका दिया, पंचायत समिति बनाया, तो आपने उनके लिए क्या सब काम किया? सबसे पहले तो ये जान लें कि इससे पूर्व में 15 साल पहले 3 पंचवर्षीय पंचायत समिति रहा। हमारे जगवन पूर्वी की जनता को यह भी नहीं मालूम था कि पंचायत समिति होता है क्या। 15 बरस जो समिति रहा, 3 समिति, वो किसी बिचौलिए के अंडर में रहा। और हमने जब नामांकन किया उस टाइम में, तो मैंने जनता से वादा किया कि जो 15 बरस बीता है वैसा मैंने नहीं करूँगा, दोनों पक्ष को, दोनों समाज को लेकर चलूँगा। मैंने दोनों समाज को लेकर चला, हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखा और दोनों समाज को मैं एक करके चला और दोनों समाज के सुख दुख में हर वक्त, रात का 12 बजे हो या दिन का किसी टाइम में, हमको जो लोग ढूंढा हो हम मिले, लोग के दुख सुख में रहे और किसी बिचौलिए के अंडर में हम नहीं गए। ये कुछ लोग जो बिचौलिए लोग जो बोल रहे हैं कि किसी एक पक्ष के अंडर में ये काम किया, तो ये पूरी मेरी जनता देख रही है। मैंने जो 5 वर्ष में जो मुझको काम मिला पंचायत समिति का, सबसे पहले बात कि पैसा आवंटन कम होता है। जो पैसा मुझे मिला, सबसे पहले मैं 3 नंबर वार्ड में नाली का ढक्कनकरण कराया, 4 नंबर वार्ड में पक्कीकरण करवाया सड़क का, और मंदिर के प्रांगण में मिट्टीकरण एवं खरंजा का कार्य 6.5 लाख का दिया। दूसरा मनरेगा से नूरी महला से होते हुए छोरैया जाने वाली रोड में मैंने काम करवाया। उसके बाद जनता के दुख सुख में हर घड़ी शामिल रहे, चाहे इंदिरा आवास की सूची हो उसमें लोग को, गरीब को देख करके चिन्हित करके हम भी उसमें साथ रहें, इंदिरा आवास मतलब ये शौचालय में कोई लोग नहीं छूटे, कैसे शौचालय बने उसमें भी हम शामिल रहें, कहीं से मेरा कोई छवि
नहीं है कि जो मैंने कहीं से 200 रुपया या 500 रुपया लिया। हाँ लिया गया कुछ, अब हम तो पंचायत समिति हैं, मुखिया जी के अंडर में आता है, मुखिया जी भी मान लिया जाए कि बहुत सारे चीज़ को नहीं संभाल पाए, वो बिचौलिया उसको लूटा, जो 2000 रुपया बिचौलिया उसके तरफ से मतलब शौचालय के नाम पर लिया गया। इंदिरा आवास में भी बिचौलिया 33,000 रुपया लिया। अब तो आप क्या कर रहे थे, आप भी तो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसा काम ना हो। मैंने कर्तव्य पर जब मालूम हुआ, हमको जब शिकायत मिली तो मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया, तो बिचौलिया द्वारा बताया गया कि नाम कट जाएगा तो ये हो जाएगा, तो पेमेंट समिति का इसमें क्या है, समिति का क्या वैल्यू है, ये बरगला कर करके वो बिचौलिया उसको ठगा। और मैं जो इंदिरा आवास करवाया अपने माध्यम से जो लोग का चिन्हित करके, वो कहीं लोगों को पैसा नहीं लगने दिया, उचित मतलब उसको जो राशि मिलनी थी उनके खाता में गया, खाता में गया कहीं से नहीं। अब ये मामला आ गया कि कुछ बिचौलिए जो लूटे हुए हैं, जो जनता को मैं कह रहा हूँ कि ये क्लियर समझ जाए, जो जो बिचौलिए खड़े हैं, जो खड़ा हमारे विरोध में कराए गए हैं, कहीं ना कहीं वही बिचौलिया जो 5 बरस लूटा है उसी का वो कैंडिडेट है, और जिसका नाम में मेरा केरफ लगाया जा रहा है वो डायरेक्ट कैंडिडेट है, और उसका भी क्या छवि है पूरा समाज जान रहा है। मेरी छवि क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा समाज प्लस मेरी छवि ये है कि गरीबों के बीच में रहता हूँ, गरीबों के दुख सुख में रहता हूँ, हजार किसी तरह की मदद करनी होती है तो मैं अपने तरफ से मदद करता हूँ। अभी एक सवाल है, अभी रुकेंगे आप। एक सवाल ये है कि एक सड़क है जो PWD के माध्यम से बनने वाली थी, और आप और मुखिया जी या आप पंचायत समिति हैं, वो मुखिया जी हैं, उसको जो है सो टुकड़े टुकड़े में बांट करके आप लोगों ने काम किया है, PWD वाली सड़क जो आती थी उस पे। नहीं, वो PWD की रोड नहीं है, वो लिंक रोड है, गली नाली की रोड है, वो किसी ने बोला है तो वो गलत है, इसलिए कि वो मोहल्ले की रोड है, उसमें समिति को क्या होता है कि कभी 1.5 लाख मिला, कभी 2 लाख मिला, तो समिति तो एक बार 2000 फीट का काम नहीं कर सकता है। आप पे आरोप है कि आपने जो सड़क का निर्माण किया है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। नहीं, तो ये जो आरोप है तो मैंने सिर्फ 150 फीट किया है, पूर्व में जो पंचायत समिति था शुरुआत में वो उसने 400 फीट किया है, हमको 1.5 लाख ही रुपया मिला, तो 1.5 लाख में हम क्या गुणवत्ता और क्या गुणवत्ता का मतलब इसमें। फिर भी आप 1.5 लाख मिला तो 1.5 लाख की सड़क बनाएंगे ना जी, तो हम तो 150 फीट बना दिया, और वो गुणवत्ता आज भी लोग जाँच के देख ले और जाँच करवा ले। अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी पंचायत में, और आप सोच रहे होंगे कि हम खटिया पे क्यों बैठे हुए हैं, तो आपको बता देते हैं खटिया पे इसलिए बैठे हुए हैं कि जो प्रत्याशी हमारे साथ हैं वो पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं, और उनको चुनाव चिन्ह मिला है ये चारपाई छाप, जिसको गांव घर में हम खटिया बोलते हैं। आइए जानते हैं कि ये जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे तो हमारे बीच आए और आपने जो हमारे मुद्दा को लेने के लिए और हमारी जो इस मकसद को, इस इरादे को इस पंचायत के बीच में, इस इलाके में इसको आप रखेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार आजम हुआ, लोग मुझे प्यार से निशु बोलते हैं, और मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो MBA है, मास्टर डिग्री कंप्लीट है मेरा, और चूँकि मैं कारोबारी हूँ और बिजनेस करते हुए मैंने यहाँ पूरा 20 साल तकरीबन वक्त दिया है। उसके बाद लोगों के मशवरे से मैं पंचायती इलेक्शन के लिए बीच में आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप तो बिजनेस मैन हैं, आपने जैसे बताया, तो क्या कारण रहा एक बिजनेस मैन को चुनाव लड़ने का, वो खास करके पंचायत समिति ही, चूँकि बहुत सारा पद होता है, सरपंच का होता है, मुखिया का होता है, बहुत सारा पद होता है पंचायत में, जिला पार्षद भी होता है, लेकिन आपने पंचायत समिति का ही चुनाव क्यों लड़ना मुनासिब समझा? जी जी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। चूँकि एक्चुअल क्या होता है कि पंचायत समिति का जो पोस्ट है हमारे यहाँ सही तरीके से लोग उसको नहीं जान रहे हैं। ये एक्चुअल क्या होता है कि ये समाज, ये पंचायत का मेंबर नहीं होता है, वो ब्लॉक का आदमी होता है। अब ब्लॉक में वैसे लोगों की ज़रूरत होती है, ये एक ऐसा पोस्ट है यहाँ से अगर चाहे तो अपने समाज का, अपने पंचायत का नाम रोशन कर सकता है, जो कि इससे आगे प्रमुख उपप्रमुख इसी पोस्ट से लोग जाते हैं, वो मुखिया से बढ़ नहीं सकते, मुखिया जीतने के बाद। आपने कहा कि लोगों को पंचायत समिति का काम नहीं पता है, तो आप ही बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि पंचायत समिति का क्या काम होता है। पंचायत समिति का यही काम होता है कि अपने पंचायत के जो भी योजनाएँ हैं या फिर जो भी मुद्दा है उसको कम से
कम उसकी आवाज़ बने ब्लॉक के बीच में जाए, प्रमुख और वीडियो से वो डिस्कशन करे और उसको उस योजना को वहाँ तक ला करके वहाँ तक उसको लोगों तक पहुँचाए। वैसे क्या क्या समस्या है जिन पर आप काम करना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ जो बेरोजगार नौजवान है या जो बेरोजगार है या फिर जिनका जॉब कार्ड बनता है उनको सही तरीके से उनको जो है उनका जो पेमेंट होना चाहिए वो उनको वक्त पे नहीं मिलता है। उनको काट के 100-200 रुपया महीने का मिलता है। वो चीज़ इंशाल्लाह मैं उनको मुहैया करवाऊँगा। दूसरा, एजुकेशन के ताल्लुक से मेरी ये ख्वाहिश है क्योंकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं जो अशिक्षित हैं उसको शिक्षित से लाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि गरीबों के लिए सहारा बनने का इरादा है। चूँकि मैं पहले से भी सोशल वर्कर रहा हूँ, इसी समाज में लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। उम्र छोटी है ये अलग बात है, लेकिन काम बड़ा मैंने किया है, लोग इस चीज़ को सराहते हैं। आपने कहा कि मैं एक समाज सेवी हूँ, तो हर समाज सेवी का अपने पंचायत में कुछ ना कुछ योगदान रहता है, आपका क्या योगदान रहा? मेरा इससे पहले जो योगदान रहा है, चूँकि मैं एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, एक जमात से जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ जुड़ करके मैं बहुत सारा योगदान दिया हूँ। चूँकि हमेशा क्या होता है कि ठंडी में कंबल मोई का फंड होता है, गर्मी में रमज़ान वगैरह में क्या होता है कि ईद फंड का काम होता है, तो उस तरह उसमें क्या होता है कि हमारे गाँव के सब जो इस तरह के काबिल कबूल लोग हैं वो उसमें डोनेट करते हैं, उसके बाद उस तक गरीबों तक हम लोग पहुँचते हैं। इस इलाके में कटैया, छुड़ैया, बहुत सारा ऐसा गांव है, वहां जाकर के आप पता कर सकते हैं कि क्या वो ट्रस्ट जो है या वो जमात इस तरह काम करती है। मैं उसका मेंबर रहा हूं और मैं उससे जुड़ करके अच्छा काम किया हूं। ट्रस्ट के आर में कहीं ना कहीं आप नेता बनना चाह रहे हैं, ये अलग सोच है, लेकिन चूंकि ये हमारे नौजवान हैं उनसे आप स्टेटमेंट ले सकते हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे पीछे हैं, उनसे भी उसका मुद्दा आप पूछ सकते हैं कि ये ट्रस्ट के आर में बनना चाह रहे हैं या फिर हम लोग उनको बीच में लेकर के आए हैं। चलिए सर, ये बताइए कि आपके क्षेत्राधिकार कौन से वार्ड आते हैं? हमारे यहाँ 7 वार्ड है जिसमें 5 वार्ड बरदाह में ही हो जाता है, 1 वार्ड छड़िया चला जाता है, 1 वार्ड चमरिया टोल बिलविंडा है। यानी कि अगर आप पंचायत समिति बनेंगे तो 1 से लेकर के 7 तक का अधिकार रहेगा? 7 में हमारे तक हमारे अंदर रहेंगे 7। अच्छा, ये बताइए कि जनता के बीच आपका जो जा रहे हैं कैसा रुझान समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल फेस हूँ, साफ छवि है, पहले से किसी तरह का कोई दाग लगा हुआ नहीं है जिस वजह से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी जितना भी चुनाव हुआ है, आप चूंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप बीच लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि लोग बदल रहे हैं पुराने लोग को और नए नौजवान को लेकर आ रहे हैं। चूँकि नए नौजवान के अंदर वो स्पिरिट है, वो काम करने का जज्बा है, इंशाल्लाह वो उसको लेकर के आएंगे और लोगों को ये उम्मीद भी है कि बेहतर से बेहतर होगा। चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश? चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि नौजवान और हर पंचायत में हर जगह के चुनाव में शिक्षित लोग को लाएं, क्योंकि चूंकि काम करने का तरीका शिक्षित का जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, काम जैसे भी करेगा वो लेकिन तरीके से करेगा इंशाल्लाह। तो मैं यही चाहूंगा कि अच्छे कैंडिडेट को आप उसको सराहें और अगर आपको उससे उम्मीद है तो उनको वोट देकर के जिताए। मेरा चारपाई छाप है, संख्या नंबर 2 है, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि वो हमको अपना कीमती बहुमूल्य वोट दे करके हमको विजय बनाए। इंशाल्लाह मैं आने वाला वक्त उनके साथ बेहतर से बेहतर स्पेंड करूंगा, उनके साथ में खड़ा रहूंगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।